को अगर ट्रेनिंग दी जाए, एक सही रास्ता दिखाया जाए तो कुछ भी कोई भी कर सकता है। और मैं समझता हूं, मैं एक खिलाड़ी होने के नाते के साथ साथ मैं दिव्यांग हूं, मैं बता देना चाहता हूं कि किन किन सिचुएशन से, किन किन परिस्थितियों से, कितने दर्द और पेन और अपमान के साथ जिंदगी में खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, मैं समझ सकता हूं। हर खिलाड़ी के पीछे एक न एक संघर्ष होता है, उस संघर्ष के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें सब लोग सपोर्ट करते हैं, तो वो व्यक्ति आगे बढ़कर अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो, जब आगे बढ़ने के लिए अपनी संकल्प शक्ति और समर्पण होता है, अगर व्यक्ति का हौसला बुलंद होना चाहिए, कुछ भी कर सकता है। यहां तक दिव्यांग की बात होती है, जिस व्यक्ति का, मैं तो उस व्यक्ति को दिव्यांग मानता हूं जिसकी सोच कमजोर होती है। जिस व्यक्ति की सोच मजबूत हो तो व्यक्ति कोई भी कुछ भी कर सकता है, और जिसकी सोच मजबूत नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सोच से मजबूत होते हैं, जिसके सामने परिस्थिति भी होती है, उन परिस्थितियों को अवसर के रूप में बदल लेते हैं। जिनकी सोच कमजोर होती है, कितने भी स्ट्रांग हो, बॉडी से कितने भी पावरफुल हो, वो कुछ नहीं कर सकते। जो अवसर होते हैं उनको परिस्थितियों के रूप में भी बदल लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, हर तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम्स दुनिया में, हर किसी इंसान के पास प्रॉब्लम है। मैं तो एक ही बात समझता हूं, यू हैव फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। यू फोकस हैव इन एबिलिटी, यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। तो जब व्यक्ति अपनी परेशानियों की तरफ ध्यान देगा तो उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम आएंगी। जब हम सोच लेते हैं देर आर मैक्सिमम मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नहीं है। जब हम आगे बढ़ने के लिए चलते हैं तो रास्ते अपने आप निकलते हैं। हम ये सोचते रहते हैं, जब हम किसी के सामने अपना रोना रोते रहेंगे तो कोई सहानुभूति दे सकता है, मगर हमने जो छुपी हुई ऊर्जा को अपनी ताकत के रूप में बना लिया, अपनी ताकत के रूप में उसको यूटिलाइज कर लिया, तो वे अपने ही नहीं लिए, अपने चाहने वाले भी अपने पर या दूसरे पर एक सम्मान की नजर से देखेंगे। इसीलिए किसी भी मजबूरी से मत हारिए, सबसे मजबूरी से अपनी हिम्मत बड़ी होती है। हिम्मत से बढ़कर जोश और जुनून की कभी भी हार नहीं होती है। हम महापुरुषों के बारे में भी ये बता देना चाहता हूं कि चाहे देश के हर महापुरुष, कोई भी वर्ल्ड के कितने भी देखे, हर जितने भी ग्रेट लीडर हुए हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई। हम सबसे बड़ा उदाहरण तो अब्दुल कलाम जी हैं, जो एक पेपर बेचा करते थे, वो एक प्रेसिडेंट, एक साइंटिस्ट बने। मगर मैं कहना चाहता हूं, वो छोटी छोटी जगहों से महापुरुष जरूर आते हैं, मगर उनके अंदर सोच और एक हौसला, एक सच्चा दिल से करने का एक सपना था। उस सपने को पूरा करने के लिए उनके अंदर सच्ची लगन और हौसले के साथ उन्होंने अपने कारवा को बढ़ाया, और मंजिल तक आज हम उनके पदचिन्हों पर चलकर, आज उन जैसे सोच के आधार पर आज हम भी देश के साथ, देश में अपने नाम के लिए हर व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अवसर नहीं मिले। मैं तो कहता हूं, जिन व्यक्ति के पास अगर सुविधाएं, सुख सुविधाएं, सभी अवसर होते, अगर ऐसा कभी होता तो वो तो व्यक्ति बहुत आगे निकल जाते। मैं तो कहना चाहता हूं एक बार फिर से, जिस व्यक्ति के साथ जोश और जुनून और हौसला बुलंद होना चाहिए, सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है, चीजें अपने आप बनने लग जाती हैं। और सेकेंडली बात है, जब कुछ करने का सपना होता है तो आगे बढ़ने के लिए मंजिल मिलती है, और जब आगे बढ़ते हैं, जब सपना होता है, तो कभी सपने निराशा के कारण भी बन जाते हैं, निराशा के कारण बन जाते हैं, हताशा भी आती है। और मैं तो कहता हूं, जब निराशा के कारण बनते हैं, जो बनना चाहा वो नहीं बन पाते हैं, तो फिर वो जिस जो बनना चाहा वो नहीं बन पाते, निराशा के कारण बनते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर सोच अगर मजबूत है, तो उस सोच के मजबूत के आधार पर हम जीवन के, किसी ने कहा है, जो सोच के आधार पर व्यक्ति में अगर सफलता ना मिले तो कोई नहीं, जीत से ज्यादा महत्व उस थिंकिंग का, उस बात का होता है जिसमें
हम जीत के लिए कोशिश करें, ये महत्वपूर्ण बात होती है ना कि सफलता। सफलता तो मिल ही जाएगी, बट हम कंटिन्यू प्रोग्रेस करेंगे, कंटिन्यू प्रोग्रेस करेंगे। किसी महापुरुष ने दो लाइनें इंग्लिश में एक कही है, फेलियर इज द सक्सेस इज द लास्ट पिलर। सेकेंडली कहा है, कंटिन्यू एफर्ट नॉट ए स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंसी, इट इज द की एफ टू द आवर पोटेंशियल, आवर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल। अपर पोटेंशियल। सो ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम सब लोग आए, और सोचना चाहता हूं कि आज जो पैरा प्लेयर्स के लिए सरकार ने कहा, पैरा प्लेयर्स के लिए हर क्षेत्र में, चाहे एथलेटिक्स के हों, स्विमिंग के हों, हर क्षेत्र में उनको बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। और हम सब लोग भी सोच रहे हैं कि अब सरकार इतना हमके लिए सोच रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो हमको ये अवसर मिले। हम सभी, हम ही नहीं, हर प्लेयर्स अपने गांव, देहातों, जिला, किन किन परिस्थितियों से गुजर कर आज यहाँ तक हम पहुंच पाए हैं। नहीं तो आजकल कहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ आज अवसर मिले हैं। तो हम सबको एक मैसेज हम सभी को देना चाहते हैं, अपने इस अवसर को एक सक्सेस के रूप में ट्रांसफरेट कर, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन कर, इससे आने वाले पीढ़ियों में भी, आने वाले लोग भी हम सभी से इंस्पिरेशन लें। ऐसी बात को मैं रखते हुए आज सब लोगों से मिलकर, जो लोग यहाँ मेरे साथ के भी, उन्होंने मेरे को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए मैंने ये इस अवसर पर अपने दो बट कहें। अगर इसमें जो कुछ भी किसी को भी अगर कुछ बातें लगी तो मैं एक बार से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आगे ऐसे प्रकार से अगर किसी चीज की अगर छोटी सी ही शुरुआत क्यों नहीं की जाए, शुरुआत अच्छी होगी तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर ऐसे अपने विचार ख्याल रखते हुए, धन्यवाद, थैंक यू। साधु साधु साधु।